हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की रीडिंग है सिंह यानी कि लियो ज़ोडियक साइन के लिए। फ़रवरी 2021 आप लोगों का कैसा रहने वाला है, हर तरह से, फाइनेंशियली, करियर वाइज, लव लाइफ जो है, हर तरह से आप लोगों की फेब 2021 कैसा रहने वाला है। सो आइए देखते हैं क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है टैरो कार्ड्स की तरफ से फेब 2021 में। ओके, तो मैं आप लोगों के सामने ही आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ ताकि एनर्जीज जो हैं वो मिसमैच ना हो। ओके, अगर आप पर्सनल सेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, मैं पर्सनल सेशंस भी देती हूँ। ओके, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स। तो कप्स ज़्यादा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, टेन ऑफ कप्स, वाओ, ग्रेट। आई थिंक ये भी ओके, एस ऑफ वांड्स। तो ये कुछ कार्ड्स हमारे पास आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, कि फेब 2021 आप लोगों का कैसा रहने वाला है, जियो यानी कि लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस ऑफ वांड से। एस ऑफ वांड्स हमें क्या बताते हैं, एस ऑफ वांड्स हमें ये बताती हैं कि लक आपके साथ है, मनी में आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमें ये दिखाई दे रहा है फाइनेंसेस को लेकर एक पॉजिटिव कार्ड हमें यहाँ मिला है काफ़ी ज़्यादा, जो कि हमें बताता है कि फाइनेंशियली और मतलब मनी रिलेटेड वर्क्स आपके बहुत जल्दी बन जाएंगे फेब 2021 में, अगर आपके अभी तक रुके हुए हैं तो। लक आपका साथ ज़रूर देगा और ये पॉजिटिविटी जो है आपके साथ फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी आगे बनने वाली हमें दिखाई हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद हमारे पास यहाँ सिक्स ऑफ कप्स भी है। सिक्स ऑफ कप्स हमें क्या बताते हैं कि यहाँ पर आपको ना काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली हमें दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट नज़र होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पर अपना जो आप रह रहे हैं वो प्लेस आप चेंज करने की सोच रहे हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर मुझे औरों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मतलब आप औरों की हेल्प कर रहे हैं, जो चीज़ आपके पास है और आप औरों को प्रोवाइड करवा सकते हैं तो वो काम आप यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फाइनेंसेस को लेकर मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर ये कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड दिस इज़ द थर्ड कार्ड ओके ऑफ डेक जो कि आपके लिए आया है, टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स हमें बताते हैं कि यूनियन यूनियनिटी में आकर आप ओके यूनिटी में आप काम करते हो मुझे नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशन किसी टाइप का है, पार्टनरशिप, दो लोग मिलकर एक हॉबी पर काम कर रहे हैं, मतलब पार्टनरशिप में, या फिर हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि किसी बाहर के पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ ही आप कुछ ऐसा काम करने की सोच रहे हैं जहाँ आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। ये कार्ड जो है बेस्ट लव कार्ड्स में से भी हमें पता चलता है, ओके, तो इसका मतलब ये कि फेब 2021 में जो लोग रिलेशनशिप के पर्पज़ से इसको देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। ये एक पॉजिटिव कार्ड है उनके रिलेशनशिप को लेकर और आप लोगों के फाइनेंसेस को लेकर भी एक पॉजिटिव कार्ड ही है, ठीक है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि टेन ऑफ कप्स हमें क्या बताते हैं। टेन ऑफ कप्स का जो कार्ड है मेनली फैमिली, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, इस टाइप की चीज़ों को बताते हैं टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स से हमें पता चल रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं, ओके, फैमिली के साथ खुश हैं, हैप्पीनेस है और इंजॉयमेंट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है काफ़ी अच्छा, ओके, और हर तरह से आप यहाँ पर खुश हैं। और यहाँ पर हमें दो कार्ड्स ऐसे मिले हैं जो कि हमें बताते हैं कि आप मूव कर रहे हैं किसी और जगह पर, ठीक है, मूव कर रहे हैं आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली। सो समवेयर दिस ऑल आर द पॉजिटिव कार्ड्स, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं और आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। फेब 2021 में हमें पता चलता है कि आप किसी डेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं किसी रिलेशनशिप में, जो कि हमें टू ऑफ कप्स ने भी बताया है, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि आप किसी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव तरफ, किसी रिलेशनशिप की तरफ बहुत से लोग बढ़ रहे हैं और बहुत से लोग किसी अच्छे पार्टनरशिप की तरफ, वही चीज़ हो गई एक तरह से कि आप किसी रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं फेब 2021 में,
ठीक है। सो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आप लोगों के, ऑलमोस्ट फैमिली ओरिएंटेड कार्ड्स आए हैं आपके, मनी ओरिएंटेड जो है, मनी से रिलेटेड जो कार्ड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, फेब 2021 आपका और भी ज़्यादा अच्छा रहे उसके लिए आपकी क्या गाइडेंस आई है। ओके ओके, गाइडेंस हमारे पास आई है एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले हम देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स क्या बताते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स हमें बताते हैं कि आप बहुत सी आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलने वाली हैं फाइनेंसेस को लेकर, आप उनको ग्रैब कीजिए, उनको छोड़िए मत, ठीक है। उन फैसिलिटीज़ की तरफ, उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप आगे बढ़िए, आपको वहाँ काफ़ी प्रॉफिट होगा। और जो नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस आई है वो आई द एम्परर, मतलब अगर आप कहीं कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप किसी बड़े से सलाह लें, ओके, गाइडेंस लें। कोई ओल्ड पर्सन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हैं, तो आप ऐसे पर्सन से गाइडेंस ज़रूर लें। अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो उसको इग्नोर ना करें। ओके सो ये गाइडेंस थी आप लोगों के लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।